बांग्लादेश से शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर और अपनी जान बचाकर भले ही भारत आ गई हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएम महबूब उद्दीन खोकन ने भारत से मांग की है कि पूर्व पीएम और उनकी बहन रेहाना को गिरफ्तार कर भारत भेजें। फिलहाल शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ भारत में हैं, जब तक उन्हें किसी देश में शरण नहीं मिल जाती है। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम अमेरिका और ब्रिटेन जाना चाहती थी, लेकिन दोनों देशों से उन्हें निराशा हाथ लगी है। इसमें वे अब किसी अन्य देश में शरण लेने के बारे में विचार कर रही हैं। हालांकि उनके बेटे ने इन तमाम खबरों पर भी विराम लगा दिया है। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग क्यों की गई है। तो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएम महबूब उद्दीन खोकन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम भारत के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। कृपया शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करें जो देश छोड़कर भाग गई हैं, और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा आंदोलन रविवार को अचानक उग्र हो गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन-फानन में देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वहीं रह रही है। उधर शेख हसीना के बेटे ने साफ कर दिया है कि उनकी मां ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की है और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और हर तरफ अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पार्टी के 20 नेताओं के शव भी बरामद किए गए हैं। देश में लूटपाट तोड़फोड़ जारी है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और उनके मंदिर हमले का शिकार हो रहे हैं।